आया है कि जो 261 नगर निकाय है उसके जो उप मुख्य पार्षद का जो निर्वाचन हुआ है डायरेक्ट इस बार जनता के थ्रू, तो उनको एक कोई भी नया मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई भी नया अधिकार उनको नहीं मिलेगा। वो जो पुराना नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार जो भी उनको दायित्व दिया गया था उसी का वो निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी वो नगर पालिका या पंचायत से कुछ भी रिलेटेड पूछेगा तो उसमें ये चीज बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक इसरो द्वारा एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट किया गया है, उसमें एक गगनयान अभियान वो लॉन्च करने वाला 2025 में, तो उसके लिए उन्होंने 21 अक्टूबर को टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट 1 यानी TVD-1 का सफल उड़ान मतलब आयोजित किया, और साथ में क्रू मॉडल जो है जिसको शॉर्ट में CM बोलता है उसको बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित वो लोग पैराशूट के माध्यम से उतारा। ये सबसे बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसरो का। इसका फायदा क्या होगा कि जब भी कोई अभियान होगा और आपातकाल की स्थिति में फंसता है या जो क्रू मेंबर है उनको वापस अपने इंडिया में धरती पे लाना है तो उसमें ये बहुत बड़ा हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसमें एक चीज और बताया गया है कि जो पैराशूट जो बनाया गया था वो नायलॉन और केवलर का बना गया था। तो अभी देखिएगा, अभी जो एग्जाम हुआ था 69th का, तो उसमें पूछा गया था कि जो ये कृत्रिम रूप से जो हीरा है किस तत्व का बनाया जाता है। तो याद होगा आप लोगों को कि जब मोदी जी गए थे USA के दौरा पर तो वहां के जो राष्ट्रपति उनके वाइफ को वो कृत्रिम रूप से बना हुआ हीरा दिए थे, तो उसको उन्होंने क्वेश्चन बना के डाल दिया। तो यहाँ पे भी याद रखिएगा कि जो पैराशूट है वो नायलॉन और केवलर का बना हुआ है, और केवलर को रासायनिक रूप से इसको फेनेलिन डाई एमिन बोला जाता है। तो हो सकता है ये पूछे ये कि पैराशूट जो है किसका बना है या केवलर का क्या नाम है, रासायनिक नाम क्या है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, यही छोटे छोटे चीज BPSC खोज कर पूछ रही है जिससे अक्सर ध्यान नहीं जाता है लोगों का। ठीक है, एक है ऑस्ट्रेलिया की तैराक है काइली मैकनेन, उन्होंने तैराकी के तीनों जो तैराकी की तीनों स्पर्धा होती है उसमें पहला जो वुमेन है जो तीनों में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी है, तो ये भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने देखिए 50 मीटर बैक स्ट्रोक में 26.86 सेकेंड का समय लिया था जो कि सबसे कम है अभी तक का, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका। ठीक है, और 22 अक्टूबर वाले जो पोस्ट किया गया था पेपर का उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार से रिलेटेड बिहार सरकार का महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे स्कीम डाला हुआ है, तो उसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा क्योंकि उस स्कीम से क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से एक बार पूछा था कि उसमें टोटल जो है कितने पैसे जन्म से लेकर ग्रेजुएशन करने तक लड़कियों को प्रोवाइड किया जाता है, तो ये क्वेश्चन बना था और उसमें बहुत लोग गड़बड़ किए थे, गलत बनाए थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन मतलब हाईलाइटेड करके दिया हुआ है। ये सारे स्कीम आप वहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताना संभव नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा है इसका एरिया, और बाकी जब सर बताएंगे आपको GS Paper 2 में महिला सशक्तिकरण के लिए तो वहाँ पे उसका डिटेल कराया जाएगा सर के माध्यम से। ठीक है, फिर पटना को 68वीं राष्ट्रीय जूनियर बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है, इसका आयोजन जनवरी 2024 में किया जाएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जूनियर बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है और कैसे है, 68वीं और पटना में किया जाएगा इसका। एक और है कि बिहार सरकार जो है इसी रवि सीजन से दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उसके रकबा को बढ़ाने के लिए एक मिशन लेकर आई है, दलहन मिशन कार्यक्रम। इसमें बताया गया है कि दलहन जो अभी जितने क्षेत्र में उत्पादन हो रहा था उसका वो तो ठीक है, उसको बढ़ाया जाएगा। इसमें ज्यादा निवेश दिया जाएगा मसूर चना और मूंग और अरहर पर। और एक बात यहाँ पे कि मसूर और चना का उत्पादन सबसे ज्यादा बिहार में होता है, और इस पे एक क्वेश्चन भी BPSC बना चुकी है, उसमें उन लोगों ने पूछा था कि बिहार में कौन सी दलहन फसल सबसे अधिक मतलब उगाई जाती है, जिसमें है मसूर चना। और यहाँ पे हो सकता है पूछ दिया जाए कि दलहन की जो दलहन मिशन कार्यक्रम है उसके तहत कौन कौन से दलहन पौधों को बढ़ावा दिया जा रहा था, उसमें आ जाएगा इसमें मसूर चना मूंग और अरहर। और इस स्कीम में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 60% और स्टेट गवर्नमेंट 40% अपना अपना योगदान देगी। और इसमें एक और चीज है कि इसमें जो दलहन की बीज है वो 10 वर्ष से कम आयु वाले जो बीज है ना वो बांटे जाएंगे, और इस पर 80% तक अनुदान दिया जाएगा। तो ये स्कीम भी काफी मतलब इम्पोर्टेंट है, बिहार गवर्नमेंट की है। अच्छा एक चीज बताइए, किन्हीं को पता है कि रवि सीजन जो है कब से कब तक चलता है,
रवि सीजन 1 अक्टूबर से 1 मार्च तक, 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। और आपने पिछले साल देखा होगा या इस साल भी देखा होगा, आरबीआई जो है लगातार अपने ब्याज दर बढ़ा रही थी, तो उससे सडनली तो महंगाई दर बढ़ा है, बट उसका अब सकारात्मक प्रभाव अपने इंडियन इकोनॉमी पे दिख रहा है। उसका असर ये हुआ है कि 2022-23 की तीसरी तिमाही में जीडीपी के मुकाबले घरेलू बचत जो थी मात्र 4% था, जो चौथी तिमाही में बढ़कर 7% हो गया। इसका मतलब है कि अपने अर्थव्यवस्था में ज्यादा बचत हो रहा है, जिससे पैसे पैसे का प्रवाह ज्यादा मार्केट में हो गया और ग्रोथ ज्यादा होगा, तो उसका अब सकारात्मक प्रभाव दिखना शुरू हो गया है मार्केट पे, ठीक है। और इंग्लैंड के फुटबॉलर है बॉबी चार्ल्टन, इनका निधन हो गया है। इनका एक था कि इनके द्वारा सबसे ज्यादा गोल बनाने का रिकॉर्ड था, जिसको 40 साल तक किसी ने नहीं तोड़ा है। तो ये मतलब तो काफी एक बोलिए कि छुपे रुस्तम टाइप के हैं ये प्लेयर, काफी पुराने हैं, तो इनको याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह का भी एक क्वेश्चन बीएससी पूछ चुका था, जो इंग्लैंड से ही थे वो, कोई बास्केटबॉल प्लेयर था, उनका नाम उन्होंने पूछा था। तो ये बॉबी चार्ल्टन भी मे भी याद ना रहे, बट इस पे फोकस रखिएगा, इसको हाईलाइटेड करके रखिएगा कि हो सकता है पूछे ये। और एक अपने पीएम मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू किया गया है, इसमें उन्होंने मतलब उनका उद्देश्य है कि जितने उनके द्वारा कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई गई है, उससे जो बचे हुए लोग हैं उनको 6 माह के भीतर लोगों को जोड़ा जाएगा, उनका फायदा उनको दिया जाएगा। तो ये याद रखेंगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का नया महासचिव बनाया गया है। बिम्स्टेक का कोई फुल फॉर्म बताइए? नहीं पता है लगता है। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना जो है वो 6 जून 1997 को हुआ था, और इसमें 7 कंट्री है, ठीक है। और इसका सचिवालय ढाका में है, इसको देखिएगा, क्योंकि नया नया चेंज हुए हैं, तो मैं भी पूछ दे इसके बारे में। अब आते हैं 23 अक्टूबर वाले पेपर को देखते हैं। इसमें गेहूं के एक संकर बीज जो होता है उसका नाम दिया गया है, और नाम से ही पूछता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो गेहूं के बीज का नाम हो जाता है सोना मोती बंसी और टिपुआ प्रभेद, ये याद रखेंगे आप लोग। हो सकता है पूछ दे किसका बीज है ये। बिहार सरकार एक और निर्णय ली है कि यहाँ जो कहलगांव और फरक्का एनटीपीसी से जो ये लोग बिजली लेते थे बिहार गवर्नमेंट 850 मेगावाट, वो अब नहीं लेंगे, वो एनटीपीसी को लौटा दिया गया है इनके द्वारा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सरप्लस में जा रहा है बिजली प्रोडक्शन, इसलिए उन्होंने लौटा दिया है। और 23 अक्टूबर वाले में ही बिहार के उद्योग से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट है, जिसको यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। जब ये सर आपको बताएंगे उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन जब कराएंगे आपको जीएस पेपर 2 में, तब वहां पे ये सारा पॉइंट बताएंगे, और ये पॉइंट आपको नोट करना होगा, क्योंकि इसमें एक फुल क्वेश्चन 67th बीपीएससी मेंस में बन चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है उद्योग का, तो ये मतलब मेन वाले क्लास में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है उस सबको डील करना, क्योंकि वो टाइम चला जाएगा उसमें, ठीक है। भारत जो है मानवता के आधार पर गाजा को मतलब एड मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना शुरू कर दिया है। तो इन्होंने अपना नौसेना की जो विमान है C-17 विमान, उसको गाजा के उससे गाजा के लिए 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी है। एक चीज यहाँ याद रखिएगा कि ये जो राहत है वो भारत के हिंडन हवाई अड्डे से चली थी, जो मिस्र के अल अरिश हवाई अड्डे पर पहुंचा था, फिर वहां से राफा बॉर्डर के माध्यम से गाजा में गया है। तो ये दोनों हवाई अड्डे का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये लोग पूछते हैं इस तरह का कि वो कहाँ से चला था, कहाँ पहुंचा, किस हवाई अड्डे पे गया, या हो सकता है ये पूछ दे कि अल अरिश हवाई अड्डा कहाँ पे है, ये भी पूछ सकता है बीपीएससी। तो ये दोनों हवाई अड्डा को याद रखेंगे आप लोग। और ये पॉइंट आपको जब हमास इजराइल और भारत का रिलेशन बताएंगे और क्वेश्चन में डालेंगे, तो ये पॉइंट आप डालेंगे वहां पे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट जीएस पेपर 1 के लिए। और अमेरिका का एक इंस्टीट्यूशन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ल्ड के 2% वैज्ञानिकों में ये पटना आईआईटी के 2 प्रोफेसर का नाम डाला गया है, वो है ऋचा चौधरी और अर्पणा सहा। ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड के 2% वैज्ञानिकों में इनका नाम आता है, और भी अमेरिकी अमेरिकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड के द्वारा, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ऋचा चौधरी जो है लगातार तीसरी बार इस सूची में शामिल हुई है, और ये हरित मानव संसाधन प्रबंधन एवं महिला उद्यमी पर शोध कर रही है, ठीक
ठीक है, डॉक्टर अर्पणा जो है भारतीय भाषाओं को सरल बनाने के उपाय पर शोध कर रही है। तो ये दोनों का जो क्षेत्र है वो भी याद रखेंगे, क्योंकि पूछ सकता है कि ये किस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक, और एक चीज और आया है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है वो अमेरिका बन गया है फिर से, जो चालू वित्तीय वर्ष है उसकी पहली छमाही में, और चीन सेकेंड हो गया है। तो अमेरिका के साथ जो भी 6 माही, मतलब पहली 6 माही में जो है व्यापार जो है 59.67 अरब डॉलर का हुआ, और चाइना के साथ 58.11 डॉलर का हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और 2022-23 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार यूएसए ही था। अब देखिए चाइना धीरे धीरे पीछे हो रहा है और यूएसए व्यापार भागीदार के रूप में आगे बढ़ रहा है। और आरबीआई द्वारा एक और रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि भारत में धीरे धीरे बेरोजगारी दर जो है वो कम हो रही है। जैसे सितंबर का बेरोजगारी दर उन लोगों ने बताया तो राष्ट्रीय स्तर पर 7.1% बताया है, और शहरी बेरोजगारी दर जो है 8.9% है, और ग्रामीण बेरोजगारी दर जो है 6.2% है। उनके द्वारा एक और चीज डेटा दिया गया है जिसको आप लोग जीएस पेपर 2 में कोड कर सकती है इसको भी। तो उन्होंने बोला है कि जैसे जून में मनरेगा के तहत जो कार्य कार्य मांग रहे थे उनकी संख्या लगभग 3 करोड़ थी, जो सितंबर में घटकर 1.75 करोड़ हो गया। यह जो डाटा है वो दिखाता है कि भारत में बेरोजगारी की दर धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, और फोर्थ एशियाई पैरा ओलंपिक खेल चीन में क्वांगजू में होगा। इसमें भारत के 313 सदस्यीय दल भाग ले रही है, जो आज तक पैरा ओलंपिक एशियाई पैरा ओलंपिक का सबसे बड़ा दल है। और इसका अगुवाई जो है अवनी लेखरा और सुमित अंतिल द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो भारत है 22 खेलों में से 17 में भाग लेगा। ठीक है, और एक है कुछ खेल है जिसमें पहली बार भाग ले रहा है इंडिया, वो है रोइंग, कैनोइंग, लॉन बॉली, ताइक्वांडो और ब्लाइंड फुटबॉल। ठीक है, और एक और है कि भारत के यू मतलब अंडर 15 बैडमिंटन खिलाड़ी बोर्निल आकाश चांगमाई चीन के चेंगदू में बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण जीता है। ये नाम याद रखेंगे क्योंकि इसमें आप लोग भूल भी सकते हैं, और चांगमाई देखकर आप लोग हो सकता है चाइना भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस नाम को याद रखिएगा। इन्होंने पहला बार ऐसा किया है कि अंडर 15 में ये स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, और सलमान रुश्दी जो अपने लेखक है, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं ये, इनको जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक है भारतीय खेत मजदूर यूनियन का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आयोजन जो है 2 से 5 नवंबर तक पटना के गेट पब्लिक लाइब्रेरी में होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं भी पूछ सकता है कि कहाँ पे होगा, पटना में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट है ये आप लोग के लिए। चलिए आज वाले पेपर को देखते हैं। त्रिपुरा के जिला सत्र न्यायाधीश राजकुमार को बिहार विधानसभा के सचिव पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित किया गया है, यानी बिहार विधानसभा के सचिव कौन बना गए हैं, राजकुमार। ठीक है, अब केंद्र सरकार द्वारा रबी सीजन के लिए उर्वरक पर सब्सिडी की घोषणा की गई है, जो 22,303 करोड़ रुपया है। ये जीएस पेपर 2 के पार्ट 2 इकोनॉमी में ये कोड किया जा सकता है, जब वहां पे क्वेश्चन रहेगा डेवलपमेंट के प्रति या इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके प्रति, तो ये दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि डीएपी जो है वो 1,350 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से, और एनकेपी जो है 1,470 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से ही मिलेगा। और इस पे जो सब्सिडी मिल रही है डीएपी पर 4,500 रुपये प्रति टन सब्सिडी जो है जारी रहेगा। ठीक है, सब्सिडी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है उर्वरक सब्सिडी में। और एक है कि खो खो एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव नीरज कुमार पप्पू गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में तकनीकी पदाधिकारी के रूप में हिस्सा लेंगे। वो इंडियन टीम के तरफ से तकनीकी पदाधिकारी के रूप में नीरज कुमार पप्पू गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम में भाग ले रहे हैं। ठीक, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और ये जो ग्वांगजू में जो आयोजित हो रही है पैरा एशियाई पैरा ओलंपिक्स, उसमें मुंगेर के शैलेश कुमार ने T63 कैटेगरी में 1.82 मीटर ऊंची छलांग लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो बिहार से रिलेटेड है ये, इनको भी याद रखेंगे आप लोग, शैलेश कुमार नाम है इनका। और अमेरिकी गवर्नमेंट द्वारा दो भारतीय अमेरिकी
अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश को विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये भारतीय हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद भी रख उनको भी याद रखना होगा। और एक भूतपूर्व भारतीय क्रिकेट के कप्तान जो है किशन द्विवेदी, उनका निधन हो गया, ठीक है। और सातवां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन प्रगति मैदान दिल्ली में किया जा रहा है, और उसका उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया है, और इसमें 31 देश भाग ले रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज है कि इस कार्यक्रम में जो है ये क्या बोलते हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसमें एक स्टार्टअप कार्यक्रम इंस्पायर का शुरुआत किया जाएगा। ये ऐसे युवा निवेशकों के बीच उद्यमिता को बढ़ाने पर जोर देगा। तो ये पूछ सकता है कि एस्पायर क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है युवा निवेशकों के बीच उद्यमिता को बढ़ाने पर जोर देना, और एस्पायर क्या है, ये एक स्टार्टअप कार्यक्रम है, तो ये इंटेंट हो जाता है एस्पायर आप लोग के लिए। और जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन आज यानी 26 अक्टूबर को पीएम द्वारा मडगांव के मतलब गोवा के मडगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है, और साथ में ये भी पूछ सकता है, हो सकता है गोवा ना दे के मडगांव दे दे और कोई कोई नाम दे दे, तो ये मडगांव को भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका एक और चीज है कि इस प्रतियोगिता का जो गोल्फ गोल्फ प्रतियोगिता होगा ना, वो गोवा में आयोजित नहीं होगा, क्योंकि वहां पे गोल्फ कोर्स नहीं है, इसलिए इसका आयोजन दिल्ली गोल्फ कोर्स में किया जाएगा। और इसमें टोटल 43 स्पर्धा होंगे, जिसमें 10,000 एथलीट जो है भाग ले रहे हैं। और भारत के अनंत जीत सिंह नारूका, सुरजो खारू खांगरू तथा अंगद वीर सिंह बाजवा ने दक्षिण कोरिया के चांगवो में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के स्क्यू टीम में स्वर्ण पदक जीता है, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय टीम है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मुंबई के पूर्व कप्तान अमोल मजुमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने रमेश पवार का स्थान लिया। कई बार मतलब प्रीवियस ईयर जब उठाएंगे तो देखेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम से रिलेटेड बहुत सारे, जब कोई भी चेंजेस होता है तो वो पूछते हैं, तो यहाँ तो मुख्य कप्तान ही बनाए गए हैं अमोल मजुमदार, तो ये हो सकता है पूछे, तो ये याद रखेंगे आप लोग। और अपने एक सुमित अंतिल हैं जो अभी जो चांगजू में वो जो हो रहा है पैरा ओलंपिक, एशियाई पैरा ओलंपिक, उसमें जो ध्वजवाहक थे अपना ओली लेखरा के साथ सुमित अंतिल, इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को सुधार कर फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने F64 स्पर्धा में 73.29 मीटर भाला फेंका है, जो कि अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को सुधारा है इन्होंने, तो ये वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अंकुर धामा पैरा एशियाई खेलों में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, ये हैं अंकुर धामा। इन्होंने पुरुषों की T11 1500 मीटर और इसी स्पर्धा का 500 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक जीता है, तो ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं ये, ठीक है। एक आप लोगों ने सुना होगा कि अभी हाल में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति बनाया गया है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, तो इनके सदस्य बनाए गए थे कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफा को मंजूरी मिल गई है। इनका कहना था कि गवर्नमेंट बिना पूछे इनके नाम को इस समिति में रखा है, ठीक है, तो इनके इस्तीफा को मंजूर कर दिया गया है। और इस वर्ल्ड कप में मतलब पूरे जितने भी वर्ल्ड कप हुए उसका एक रिकॉर्ड बना है कि ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को सबसे बड़ी पारी से मतलब हराया है, 309 रनों से नीदरलैंड को उन्होंने हराया है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, अभी तक इतने रनों से किसी ने किसी को हराया नहीं था। आज एक और पेपर में दिया गया था, जब आप लोग करेंट अफेयर में हमास इजराइल के बारे में जब क्वेश्चन पूछेगा जीएस पेपर 1 में सेक्शन 2 में, तो वहां पे आप लोग इसको कोड कर सकते हैं। वहां पे बताया गया है कि अरब मुस्लिम मतलब मुस्लिम कंट्री जो है वो बटे हुए हैं इस युद्ध को लेकर, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमास को सपोर्ट करे कि इसराइल को सपोर्ट करे, तो उसका वहां पे कारण बताया गया है। क्योंकि तो देखिएगा 68 में आप लोगों ने देखा होगा कि पूछा है वहां पे कि ये यूक्रेन और ये यूक्रेन और रूस का जो वार है, तो उसमें पूछा गया था कि इसमें भारत का क्या मतलब क्या रुख है, पश्चिमी यूरोप का क्या है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो अगर वहां पे अरब लीग का या मुस्लिम कंट्री का पूछता है तो ये वहां पे आप लोग कोट कर सकते हैं। तो उसमें बताया गया है कि ये इसलिए बटे हुए हैं क्योंकि
क्या बोलते हैं, तुर्की, सऊदी अरब तथा ईरान जो है वो अलग अलग अपना मुस्लिम कंट्री का नेतृत्व प्रदान कर, मतलब चाहते हैं कि हम करें इनका तो हम करें, जिसकी वजह से ये नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं। और लगभग 50 मुस्लिम देश हैं जिसमें से मात्र 12 देश हैं जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी का कौन किसके प्रति है किन्हीं का कुछ भी रोक नहीं आ रहा है। तो ये पॉइंट वहां पे दिया जा सकता है। और हमास को खुलकर सपोर्ट करने वाले में है ईरान, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र। बाकी सपोर्ट किसी, मतलब खुलकर नहीं कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको दिया जा सकता है जब हमास और इसराइल के बारे में आप लोग लिखेंगे जीएस पेपर में, ठीक है, वन में, ठीक है। तो ये पेपर हम लोगों ने देखा 3 दिन का, ठीक है। किन्हीं को कुछ पूछना है इसके पॉइंट से, कुछ भी समझ में नहीं आया हो? चलिए, किन्हीं को नहीं पूछना, सारे अपडेट हैं, ठीक है। चलिए, तो हम पूछते हैं, आप लोग बताइए, बताइएगा, माइक खोलिए सब आप लोग। बिहार में कितने नगर निकाय हैं? 261 और ये जो इसरो जो है गगनयान की जो टेस्ट व्हीकल लॉन्च की है वो किस डेट को की है? 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर। और भी बताइए, एक ही पर्सन बोल रहे हैं, और भी जवाब दीजिए आप लोग। और इसको जो है क्या बोलते हैं, इसका क्रू मॉड्यूल को जो पैराशूट के माध्यम से हम लोग अरब सागर में, ये बंगाल की खाड़ी में उतारे थे, तो उसमें कौन कौन से पैराशूट को बनाने में कौन कौन से मटेरियल का यूज किया गया था? ये दो दो का, एक केवलर का और एक नायलॉन, हाँ, केवलर, केवलर, केवलर सॉरी को रासायनिक, रासायनिक नाम क्या है केवलर का? केवलर का रासायनिक नाम। फेनिनिन डाइएमिन, हाँ ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, याद है आपको। और एक ऑस्ट्रेलिया की तैराक है, क्या नाम है उनका, जिन्होंने तैराकी के तीनों स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? काइली मैकनन। हाँ, वेरी गुड। और एक अच्छा, ये महिला, ये बताइए कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? 33 33। हाँ, बहुत बढ़िया। और 68वीं राष्ट्रीय जूनियर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होगा? पटना में होगा। हाँ, बहुत अच्छे। और एक बिहार गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट द्वारा दलहन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसके रकबा को बढ़ाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताइए। दलहन मिशन कार्यक्रम। हाँ, इसमें कितने कितने मतलब दिए जाएंगे, केंद्र और राज्य का कितने कितने भाग है इसको केंद्र फॉलो करने में? 60 है, राज्य 14। हाँ, और कौन कौन सा इसमें दलहन शामिल किया गया है? मसूर, चना, मूंग और अरहर। हाँ, बहुत बढ़िया। और आरबीआई द्वारा एक मतलब बताया गया है कि घरेलू बचत जो है सितंबर में कितना परसेंट हो गया है? 7%, ठीक है। और इंग्लैंड के फुटबॉलर जिनका निधन हुआ हाल में, उनका बाबी चार, ये क्या है, चार्ल्टन, चार्ल्टन, बॉबी चार्ल्टन चार्ल्टन, कुछ। हाँ, इनके नाम पर रिकॉर्ड था जो कितने वर्षों बाद तोड़ा गया था? 40 याद नहीं, 40 चालीस साल। ठीक। हाँ, ठीक है। बिम्स्टेक के महासचिव कौन बनाए गए? इंद्रमणि इंद्र पांडे। इंद्रमणि पांडे। हाँ, हाँ, इतना टाइम नहीं लगे, जल्दी जल्दी बोलिए, ठीक है। भारत जो है गाजा के लिए जो एड भेज रही है उसमें किस विमान का यूज किया है उन्होंने? C-17 विमान को, ठीक है। और मिस्र के किस हवाई अड्डे पे ये जो विमान है लैंड की थी एड को लेकर? अलहड़ी हवाई अड्डा, हाँ, और कौन सा बॉर्डर क्रॉस करके ये गाजा की तरफ गए? ये मिस्र राफा से के बॉर्डर, सीमा रहा राफा वो बॉर्डर, बोल। उस पे तो अच्छा खासा डिस्कस हो गया थे, भूल गई नाम आप? बढ़िया है, ऐसे ही भूलिए भूलिए, उसके बाद बीपीएससी में भूल जाइएगा, बीपीएससी आपको भूलेगा तो फिर कहिएगा इंस्टीट्यूट ने कुछ बताया नहीं, ठीक है। चलिए, नो अब हाँ, अब बताइए कि सितंबर में जो अपना बेरोजगारी दर है कितना परसेंट हुआ आरबीआई के अकॉर्डिंग, वे 7.1। राष्ट्रीय? हाँ, और ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.2, ठीक है। शहरी बेरोजगारी दर 8.9, पॉइंट वन, 8.9। हाँ,
हाँ, फोर्थ एशियाई पैरा खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है? वांगजू। के हांगजू, हांगजू में। हाँ, इसका मतलब नेतृत्व इंडियन टीम का नेतृत्व किनके द्वारा किया अवनी गया? लेखरा और सुमित अंतिल। सुमित अंतिल, बहुत बढ़िया। और इंडिया जो है कितने खेलों में भाग ले रही है इसमें? 22। 17। टोटल तो 22 प्ले ही खेले ही जाएंगे, उसमें से 17 में भाग ले रही है। ये ठीक। भारतीय खेत मजदूर यूनियन का 15वां अधिवेशन का आयोजन पटना के किस स्थान पे होगा? ये पब्लिक गेट पब्लिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, बहुत बढ़िया। हाँ, और बिहार विधानसभा के सचिव कौन बनाए हैं? ये इनका राजकुमार, इनका जी, नाम इनका राजकुमार है। हाँ, जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उर्वरक सब्सिडी के रूप में कितना रुपए मतलब दिए जाएंगे? 22,303 करोड़ रुपए। ठीक है। और जी, 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ हो रहा है? गोवा। गोवा। गोवा, हाँ।